बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी की खबरें आए दिन सामने आती रहती है, पर आज की बात ही कुछ अलग है। एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता पुलिस वाले को जबरन मारपीट करते हुए गाड़ी में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये है यूपी पुलिस, जो सख्त से सख्त लोगों का इलाज कर रही है। आरोपियों का दिन में ही एनकाउंटर कर देती है, पर आज ये पुलिस का हाल देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि क्या यही है यूपी पुलिस की साख। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी नेताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार का पुलिस के प्रति जीरो टॉलरेंस का कारनामा, पुलिस का भाजपाइयों ने किया अपहरण, अब क्या पुलिस वालों को FIR लिखवाने भाजपा के मुख्यालय जाना पड़ेगा, बस यही देखना बाकी था। विजिलेंस विभाग के चालक और आरक्षी के साथ मारपीट के आरोप में अली नगर थाने में बीजेपी नेता सूर्यमुनि तिवारी, समर्थक मदन चौहान और 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट, बंधक बनाने समेत गंभीर अपराधों की धाराओं में मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ऐसे में बीजेपी नेता के लिए मुश्किल बढ़ गई। बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज किए जाने से समर्थकों में आक्रोश है। वहीं समर्थकों ने अवैध वसूली में संलिप्त भ्रष्ट कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। वहीं सूर्य मुनि तिवारी ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी कर्मचारी की पिटाई नहीं है। यदि ऐसी कोई घटना जब घटती है, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष प्यारे लाल चौहान सैदपुरा के, कल पुलिस की टीम, बिजली विभाग की, विजिलेंस की टीम उनके साथ उनके यहाँ गई और उनको सूचना दे करके उनसे कल 13,000 रुपये जो है बुलवा कर उनसे 13,000 रुपये ऐड लिया। दूसरे कार्यकर्ता मदन चौहान को भी बुलाया गया, उसको भी आज बुलाया गया था। मदन चौहान हमारे पास आए, मैंने सबको सूचना दिया, DM साहब को, प्रधान साहब को, CO साहब को भी सूचना दिया कि इस तरह की बात आ रही है। ये एंटी करप्शन वाले का नंबर कप्तान साहब ने दिया, एंटी करप्शन ने कहा कि 2 दिन बाद आपको जो पीड़ित व्यक्ति है उसका नंबर दें। मैंने उनको नंबर दिया, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम इनको जो है समय देंगे, इसके पहले समय नहीं दे पाएंगे। तिवारी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपकी गाड़ी में किसी व्यक्ति को जबरन बैठाया जा रहा है, वो क्या है? जबरन बैठाने वहाँ अगर तमाम लोगों को, ये जो बिजली विभाग का जो प्राइवेट कर्मचारी था, तमाम लोगों को पैसा लेने के लिए इस सेट टाइम पर बुलाया था, उसी टाइम सभी को बुलाया था, सबसे उसका टाइम बना था पैसा लेने के लिए, सबको बारी बारी को बुला करके पैसा लेता, वही सारे लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने वो जब वो लोग मारना पीटना शुरू किए तो मैंने उसको बचाया। मैंने कहा यदि मारेंगे तो हम लोग की छवि खराब होगी, सरकार की छवि खराब, इसको तुरंत मैंने बैठा के, गाड़ी में बैठा के तो मैंने थाने में ले आया। विजिलेंस की टीम व सिपाही की मारपीट मामले में बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि ये जो मामला है चंदौली का है। चंदौली में बीजेपी नेता सूर्यमुनि तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि विजिलेंस की टीम जो जांच करने पहुंची थी और जांच के दौरान बीजेपी नेता के समर्थकों द्वारा विजिलेंस की टीम को मारा पीटा गया, वही उन्हें जबरन मार कर गाड़ी में बैठा के थाने लेकर आई। यही वजह है कि विजिलेंस के लोगों ने बीजेपी नेता के समर्थकों सहित 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिससे बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता के इस कृत्य से जहां चंदौली में किरकिरी हो रही है, वही सियासी गलियारे में भी हलचल तेज देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने मामले को और बढ़ा दिया है। सूर्यमुनि तिवारी का कहना है कि विजिलेंस कर्मी उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करते, हालांकि पुलिस ने बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज किया है, इससे उनके समर्थकों में खासा आक्रोश है। CO आशुतोष ने बताया कि सूर्यमुनि तिवारी समेत 3 नामजद व 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। JMD न्यूज के लिए चंदौली से महेंद्र पटेल के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की।